Les fonctionnaires, ils s'éprouvent de fringes. Quelqu'un qui saisit pour oublier. Qui peut demander? Right hand derivative and left hand derivative. Both exist finite and unique. अगर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करते हो, फाइनाइट हो और यूनिक हो, तब हम कहेंगे कि फंक्शन x इज इक्वल टू ये पर डिफरेंशिएबल है, जहां राइट हैंड डेरिवेटिव से मतलब r f dash a इज लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f a अपॉन h. राइट से मतलब कहीं भी पॉइंट पर खड़े हो राइट में जाना है तो एच जुड़ेगा ना, और उस पॉइंट से लेफ्ट में जाना है तो अगर जहां जहां एच है उसे माइनस एच से रिप्लेस कर दो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अगर जहां जहां एच है उसे माइनस एच से रिप्लेस करो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच. अगर ये दोनों वैल्यू फाइनाइट हो एग्जिस्ट करती हूं और यूनिक हूं तब हम कहेंगे कि फंक्शन x इज इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल है. इफ ए फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल fx इज इक्वल टू a, अगर कोई फंक्शन x इज इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल है देन it will be continuous also. अगर differentiable है तो continuous होगा, but converse is not. That is function differentiable होना ये assure करता है कि वो continuous भी है. लेकिन कंटिन्यूटी ये श्योर नहीं करती. सपोज कीजिए फंक्शन है x माइनस ब्रैकेट x द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन. कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी अप्लाई करने के लिए फंक्शन में कहीं भी मॉड या ब्रैकेट नहीं होनी चाहिए. मॉड को कैसे तोड़ते हैं ये तो हमने सीख लिया, इन ब्रैकेट को भी तो हटाना पड़ेगा. यहाँ से ब्रैकेट के बारे में हमें नॉलेज थी क्या, अगर x का मान 0 से 1 के बीच में लाई किया तो ब्रैकेट 0 होगा और 0 पर भी 0 होगा तो फंक्शन क्या होगा, x माइनस 0. ब्रैकेट x का ही मान तो 0 होगा, कोई x का मान 0 तो नहीं होगा, x तो वेरिएबल हुआ ना. यूनिक अगर x का मान 1 एंड 2 के बीच में लाई किया तो x माइनस 1, अगर 2 एंड 3 के बीच में लाई किया तो x माइनस 2 एंड सो. दैट इज इन जनरल fx इज इक्वल टू अगर x का मान n माइनस 1 से और n के बीच में लाई किया तो x माइनस n माइनस 1, ब्रैकेट कहीं नहीं लगी. और अगर n से लेकर n प्लस 1 के बीच में लाई किया तो x माइनस n, जहां n एक इंटीजर है. n का मान 0 1 2 3 4 5 6 7 8 करते चले जाओ ऊपर तक की सारी वैल्यू. साथ ही साथ हम ये भी देख पा रहे हैं, देखिए फंक्शंस को देखकर सीधा बताइए इससे पीछे क्या होगा, अगर माइनस वन से जीरो के बीच में लाई किया तो एक्स माइनस माइनस वन दैट इज एक्स प्लस एंड सो ऐसी ऊपर. रुक कर सोचिए, मैं सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूँ एक्स बराबर जीरो पर ये कंटिन्यूअस है कि नहीं. जीरो पर कंटिन्यूटी जाने के लिए आप जीरो प्लस यहां पर गए, x को 0 रख दिया, फंक्शन का मान 0. 0 माइनस यहां पहुंच गया ना, 0 में से कुछ कम होते ही
यहां पर दिया x का मान 0 इसका मतलब x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ रही है 1 और राइट हैंड लिमिट आ रही है 0 यूं ही अगर x is equal to 2 पर निकालना चाहे तो 2 माइनस ये रहा x को 2 रख दिया 1 2 प्लस ये रहा x को 2 रख दिया 0 लेफ्ट हैंड लिमिट 1 और राइट हैंड लिमिट 0 x बराबर 0 पर 1 पर 2 पर 3 पर 4 पर जितनी भी इंटीग्रल वैल्यूज हैं हर इंटीग्रल वैल्यू के लिए फंक्शन डिस्कंटीन्यूअस फंक्शन है एंड डिस्कंटीन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड दोनों अलग-अलग आ रही है और जब डिस्कंटीन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी ना होगा लेकिन 0 एंड 1 के बीच में इट्स अ कांस्टेंट पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल से मतलब x की पावर तो इंटीजर आ रही है ना अगर अगर फंक्शन में x की इंटीग्रल पावर आती है x की पावर इंटीजर आती है तो पॉलीनोमियल है ये सारे के सारे पॉलीनोमियल होगा साथ ही साथ लाइन है स्ट्रेट लाइन है y बराबर x माइनस 1 लें या y बराबर x माइनस 2 लें या y बराबर x माइनस 3 लें सारी ये लाइन तो आ रही है इसका मतलब कर्व जो फंक्शन है सारी नॉन इंटीग्रल वैल्यू के लिए तो कंटीन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है लेकिन इंटीग्रल वैल्यूज के लिए डिस्कंटीन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है और डिफरेंशिएबल तो है ही क्लियर है चीज जरा कंटीन्यूटी चेक करो केवल n पर कंटीन्यूटी है x इज इक्वल टू n क्योंकि n कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है n इंटीजर है पूरी की पूरी इंटीजर बिरादरी को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर आप x इज इक्वल टू n पर आप कंटीन्यूटी चेक कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप 1 पर भी चेक कर रहे हो 2 पर भी चेक कर रहे हो 3 पर भी चेक कर रहे हो n कोई स्पेसिफिक इंटीजर नहीं है जनरल इंटीजर है फंक्शन का मान क्या होगा fn कहां पढ़ा जाएगा ऊपर या नीचे नीचे इक्वल टू को यहां लिख दो और x स्क्वायर यहां रख देता हूं 0 राइट हैंड लिमिट लिमिट x गोस टू 0 f ऑफ n प्लस h n प्लस h मींस n से आगे निकल गए लिमिट x टू h गोस टू 0 m प्लस h माइनस n दैट इज 0 लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट h गोस टू 0 f ऑफ n माइनस h लिमिट h गोस टू 0 n माइनस h मींस n से पीछे n माइनस h माइनस n माइनस 1 जब h को 0 रखेंगे विल बी इक्वल टू नहीं आ रहे बराबर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आ रही लेकिन दोनों एग्जिस्ट तो कर रहे हैं एम्प्लाइज दैट फंक्शन विल बी डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू n एंड देयर विल बी फर्स्ट टाइम डिसकंटीन्यूटी ऑफ फर्स्ट टाइम एट फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू सारी की सारी इंटीग्रल वैल्यूज के लिए डिसकंटीन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड रिप्रेजेंट कर रहा है जबकि नॉन इंटीग्रल वैल्यू के लिए पॉलीनोमियल है ऑन द अदर हैंड फंक्शन विल बी कंटीन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल नॉन इंटीग्रल वैल्यूज ग्राफ प्लॉट करिए ये x इज इक्वल टू 0 है ये x इज इक्वल टू 1 है ये x इज इक्वल टू 2 3 4 5 एटसेट्रा फंक्शन का मान 1 2 3 एटसेट्रा देखिए पहले हिस्से पर जाओ केवल पहले हिस्से पर ये रहा हमारा हिस्सा
fx means y now. It's y is equal to x. Y is equal to x, there will be a line. Or it is a pass of the volume 45 degree equal to u. या तो ऐसे मान लो, या ऐसे मान लो कि अगर x को 0 रखोगे तो y का मान 0 आ गया, और x को 1 रखोगे तो y का मान 1 आ गया। इसका मतलब ये लाइन वो है जो 0 0 और 1 1 से पास हो रही है। 0 0 मींस आ रहे हैं और 1 1 मींस इन दोनों पे की स्ट्रेट लाइन से मान करो कौन सा पॉइंट इसमें शामिल होगा और कौन सा नहीं, किधर इक्वलिटी लगी है किधर नहीं लगी। जीरो पर तो लगी है लेकिन वन पर जिधर इक्वलिटी नहीं लगी वो तो एक्सक्लूड होगा ना। पहला हिस्सा पूरा हो गया, अब दूसरा शुरू करो। इस पर पहुंचो, अगर एक्स को वन रखोगे तो वाई का मान जीरो, और एक्स को दो रखोगे तो वाई का मान वन। अगर x को 1 रखा तो y का मान 0, फिर यही आ गए, और x का मान 2 रखा तो 1। बस ऐसी ही बंदे चले आए हैं काके काके से। अब क्या बिना पैरामीटर से बना लोगे? किस किस जगह पैरामीटर का सारी इंटीग्रल वैल्यूज के लिए एक कंटीन्यूअस फंक्शन है, लेकिन नॉन इंटीग्रल वैल्यूज के लिए चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन हमेशा हर जगह कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होती है, तो नॉन इंटीग्रल वैल्यूज के लिए कंटीन्यूअस भी है डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन हर इंटीग्रल वैल्यू के लिए डिस्कंटीन्यूअस भी है और नॉन डिफरेंशिएबल। से fx इज इक्वल टू मॉड x का ब्रैकेट। अब जरा बात करिए पहले पहले मॉड की बात। मॉड x x होता है अगर x पॉजिटिव हो, और माइनस x होता है अगर x नेगेटिव हो, तो विल बी इक्वल ब्रैकेट x अगर x पॉजिटिव हुआ विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ब्रैकेट x अगर x नेगेटिव हुआ। जीरो उठा के चले जाने का। अब देखिए अलग अलग रेंज बनाओ, अगर x का मान 0 एंड 1 के बीच में लाई किया, 0 एंड 1 के बीच का मतलब यहां चल रहा हूं यही है ना, 0 एंड 1 मतलब 0 से बड़ा हो गया ना, कितना होगा 0 एंड 1 के बीच में मान 0। और 0 पर भी 0, अगर 1 एंड 2 के बीच में हो तो 2 एंड 3 के बीच में हो तो 2 एंड। अब ऊपर की तरफ चलो, अगर x का मान -1 और 0 के बीच में हो तो, अब -1 एंड 0 के बीच में चलेंगे तो यहां पहुंच गए। जरा -1 और 0 के बीच में कोई वैल्यू रखकर सोचिए, -1 एंड 0 के बीच में कोई वैल्यू अपने दिमाग में लाओ, इसे माइनस के पॉइंट पर। अगर माइनस का 0.5 यहां रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, दैट इज 0.5 का मॉड, 0.5 का ब्रैकेट। अगर -2 और -1 के बीच में नहीं कर गए तो, लेकिन अब जीरो अब इक्वलिटी किधर जाएगी, इधर जाएगी, -2 और -1 के बीच में लेकर गए तो -2 और -1 के बीच की कोई वैल्यू सोचिए, इसे -1.5, अगर -1.5 यहां रखोगे तो प्लस का 1.5, अब प्लस के 1.5 की ब्रैकेट 1 समझ पाए, चेंज हो रहा है ना पूरा का पूरा करेक्ट है, क्योंकि वैल्यू तो नेगेटिव आई नहीं रही। ट्रेस करो, ट्रेस करो इसे, इसको ट्रेस कर लीजिए। x का मान 0 1 2 3 -1 -2 अगर यूनी माइनस
0 से 1 के बीच में है fx बराबर 0 0 से 1 के बीच में है fx बराबर 0 fx बराबर 0 से मतलब y बराबर 0 y बराबर 0 की सेट है ये x एक्सिस होगा इसमें कौन पॉइंट इंक्लूड कौन एक्सक्लूड 0 तो इंक्लूड मगर x एक्सक्लूड और सॉरी 1 एक्सक्लूड ये वाला केस किया है दूसरे पर पहुंचो y बराबर 1 y बराबर 1 मतलब यहां से शुरू होगा यहां तक वन इंक्लूड है इसे डार्क करो और ये एक्सक्लूड है 2 से 3 के बीच में y का मान 2 y का मान ऐसे बनाते चले जाएंगे चाहे इतने बनाते चले जाएं कोई और छोड़ थोड़ी है इनका अब पीछे चलो इस पर आ जाओ माइनस वन से जीरो के बीच में इस पर हूं मैं माइनस वन ये रहा जीरो ये रहा माइनस वन से जीरो तक भी तो वाई बराबर जीरो ही है लेकिन अब कौन इंक्लूड कौन एक्सक्लूड है जीरो तो इंक्लूड है जीरो फिर इंक्लूड हो गया दोनों में से लेकिन माइनस वन एक्सक्लूड है इस बार इधर को मुंह बनेंगे इनके सबके माइनस टू से लेकर और माइनस वन तक वाई का मान वन वन माइनस वन इंक्लूड लेकिन माइनस टू एक्सक्लूड बिना पैन का बना सकते थे कहां कहां हटा रहा हूं मैं जीरो से कहां हटा रहे जीरो से तो आगे भी और जीरो से पीछे भी है जीरो पर तो कंटिन्यूअस ही चेंज हो गया देखो पिछले क्वेश्चन जीरो पर कंटिन्यूअस है क्योंकि जीरो के आसपास आपको पैन नहीं हटाना सीधी लाइन यहां से यहां तक खींच लेनी है वन पे जाके पैन हटाया टू पर जाकर थ्री पर जाकर ताकि ये सारे के सारी नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यूज के लिए नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यूज के लिए डिस्कंटीन्यूअस कर्व है साथ ही साथ नॉन डिफरेंशियबल भी है लेकिन जितनी भी नॉन इंटीग्रल वैल्यूज हैं उन सब के लिए भी और जीरो के लिए भी कंटीन्यूअस भी है एज वेल एज कर्व अभी हमने अंदर मॉड और बाहर ब्रैकेट रखा अब बाहर मॉड रख रहा हूं अंदर ब्रैकेट मॉड को हटाओ पहले अगर ब्रैकेट एक्स पॉजिटिव होगा तब तो ये ब्रैकेट एक्स आ गया ब्रैकेट एक्स को वही मान लो और अगर ब्रैकेट एक्स नेगेटिव होगा तो ये माइनस का ब्रैकेट एक्स आ गया इक्वली जीरो चाहिए हम बता अब जरा सजेस्ट करो अगर x का मान 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है 0.5 0 से 1 के बीच में वैल्यू मान लो 0.5 0 से 1 के बीच में जो ब्रैकेट x है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा इसका मतलब यहां पढ़ा जाएगा कितनी वैल्यू होगी 0 से 1 के बीच में 0 वैल्यू 0 1 से 2 के बीच में 1 नहीं 2 से 3 के बीच में 2 एंड सो अब पीछे चलो अगर x का मान माइनस 1 से 0 के बीच में होता ये अब यहां पढ़ा जाएगा माइनस वन से जीरो के बीच में कोई वैल्यू रखकर सोचिए इसे माइनस के 0.5 माइनस 0.5 के ब्रैकेट की वैल्यू हो गई
माइनस के 1 और माइनस माइनस प्लस सही। अब ये पॉइंट किधर लगाओगे, उधर की इधर जीरो पे नहीं बेटा, जीरो पे तो जीरो आएगी भाई, माइनस भाई यही चेंज आया है। इक्वलिटी लेफ्ट हैंड साइड में चल रही है, राइट हैंड साइड में नहीं चल रही, जबकि पिछला वाला बनाए थे तो उसमें दूसरे में राइट वाले में चली गई थी। यूं ही अगर माइनस टू और माइनस वन के बीच में होगा तो वैल्यू विल बी इक्वल टू टू एंड स्टॉप। ग्राफ बनाओ, जीरो से वन के बीच में जीरो, जीरो इंक्लूड है वन एक्सक्लूड है, वन से टू के बीच में वन, टू से थ्री के बीच में टू एंड अब पीछे चलो, माइनस वन से जीरो के बीच में वन, माइनस वन इंक्लूड है जबकि ये एक्सक्लूड है, सारी इंटीग्रल वैल्यूज के लिए डिसकंटिन्यूअस है और नॉन इंटीग्रल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस है।